नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका निफ्टी ट्रेडर के वीकली मार्केट अपडेट वीडियो में। आज का हमारा पहला सेगमेंट देगा इंडियन मार्केट्स का एक ओवरऑल व्यू। एनएससी के निफ्टी इंडेक्स 0.49% हायर क्लोज हुई 11,844.10 के लेवल पे। ये इसका जुलाई से लेकर अभी तक का हाईएस्ट पॉइंट है। बीएसई की इंडेक्स 0.55% अप थी 40,051.87 के लेवल पे। ये इसका जून से अभी तक हाईएस्ट पॉइंट है। इंडिया की मोस्ट वैल्यूएबल कंपनी रिलायंस इंडस्ट्रीज में 1% का राइस आया। मारुति सुजुकी और यस बैंक दोनों में ही 2% का फॉल आया और वो दोनों इंडेक्सेस पे टॉप लूजर्स में से थे। स्टेट रन लेंडर्स को ट्रैक करने वाली निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स में 4% का राइस आया और उसके सारे 12 कंपोजिंग स्टॉक्स में भी राइस आया। यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया में 20% का राइस आया जब उसने स्ट्रॉन्ग क्वार्टरली रिजल्ट शो किए। सेंट्रल बैंक और सिंडिकेट बैंक में 5% का राइस आया और SBI और PNB में 2% के करीब का राइस आया। काफी फाइनेंशियल्स भी स्पॉटलाइट में रहे। ICICI बैंक, HDFC बैंक और बजाज फाइनेंस में 0.6% से 1% तक का राइस आया। जियोजेट फाइनेंशियल सर्विसेज के हेड ऑफ रिसर्च विनोद नायर ने बताया कि क्वार्टर टू अर्निंग्स ने इस बार एक्सपेक्टेशंस क्रॉस की हैं और आगे वो होप कर रहे हैं कि ये अर्निंग्स ग्रो होती रहेंगी और इम्प्रूव होंगी अक्टूबर से मार्च के बीच में। वेंसडे को US फेडरल रिजर्व ने इंटरेस्ट रेट में कट्स इंट्रोड्यूस किए। इस साल ये कट्स थर्ड टाइम इंट्रोड्यूस किए गए। वॉल स्ट्रीट में भी न्यू हाईस क्रिएट हुए। हमारी अगली न्यूज है टेलीकॉम सेक्टर के बारे में। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के डिसीजन के अकॉर्डिंग भारतीय एयरटेल और वोडाफोन आइडिया को गवर्नमेंट को 920 बिलियन रुपीज या फिर $13 बिलियन ओवरड्यू लेवीज और इंटरेस्ट के फॉर्म में पे करने पड़ेंगे। सेल्यूलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया ने इस डिसीजन के बीच में इंटरवीन करते हुए इंडिया के टेलीकॉम मिनिस्टर को एक लेटर लिखा। लेटर में उसने बताया कि इस तरह के पेमेंट्स टेलीकॉम कंपनीज में एक क्राइसिस क्रिएट कर देंगी और पूरे टेलीकॉम सेक्टर के लिए डिस्ट्रेस क्रिएट कर सकते हैं। गवर्नमेंट के टेलीकॉम डिपार्टमेंट ने इस पे कोई कमेंट नहीं किया है। इस पूरे मैटर से फैमिलियर एक आदमी ने बताया, भारतीय एयरटेल और वोडाफोन दोनों ही COAI को सपोर्ट कर रहे हैं, लेकिन रिलायंस इंडस्ट्रीज ने कहा है कि COAI की रिपोर्ट इंडस्ट्री सेंटिमेंट्स को रिप्रेजेंट नहीं करती है। रिलायंस ने एक मीडिया अनाउंसमेंट में बताया कि वो COAI के लेटर से कम्प्लीटली डिसएग्री करती है और वो बिलीव करती है कि COAI का ये लेटर इंडस्ट्री के व्यूज को रिप्रेजेंट नहीं कर पा रहा है। जियो के ऑपरेशंस लेट 2016 में शुरू हुए थे और सुप्रीम कोर्ट के रूलिंग के अकॉर्डिंग जियो को केवल $2 मिलियन का चार्जेस क्लियर करने हैं। इंडिया के टेलीकॉम सेक्टर में एक समय पे एक दर्जन से ज्यादा टेलीकॉम नेटवर्क्स हुआ करते थे, लेकिन अभी टेलीकॉम का गेम केवल 3 प्राइवेट नेटवर्क्स के बीच में है, भारतीय एयरटेल, वोडाफोन आइडिया और जियो। एक गवर्नमेंट सोर्स ने मंडे को बताया कि एक ब्यूरोक्रेट्स का पैनल सेटअप किया गया है ताकि वेस्ट डिराइव हो पाए सेक्टर से फाइनेंशियल प्रेशर्स एलिवेट करने के लिए। हमारी अगली न्यूज है कॉग्निजेंट के बारे में। फेसबुक के कंटेंट रिव्यू कॉन्ट्रैक्टर्स के एक पार्ट कॉग्निजेंट टेक्नोलॉजी सॉल्यूशंस ने वेंसडे को एक अनाउंसमेंट में बताया कि वो कंटेंट मॉडरेशन के बिजनेस के कुछ पार्ट्स को शट डाउन कर रही है। इसमें से एक मेजर पार्ट ऑब्जेक्शनेबल कंटेंट आइडेंटिफाइंग का है। इस शटडाउन के बाद कंपनी ने 6,000 जॉब कट्स अनाउंस किए हैं। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सर्विस प्रोवाइडर कॉग्निजेंट ने और भी यूनिट्स में 7,000 जॉब्स कट करने का प्लान किया है। कॉग्निजेंट ने बताया कि वो अब क्लाउड और इंटरनेट ऑफ थिंग्स जैसी टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करना चाह रही है। कंपनी ने बताया कि वो ईयर 2021 में 500 से $550 मिलियन की सेविंग एक्सपेक्ट कर रही है और कंपनी ने बताया कि इस साल रिस्ट्रक्चरिंग चार्जेस अराउंड 150 मिलियन से 200 मिलियन के बीच में कॉस्ट करेंगे। न्यू जर्सी बेस्ड कॉग्निजेंट ने बताया कि उसके फाइनेंशियल सर्विसेज सेगमेंट में 1.9% का राइज आया $1.49 बिलियन पे और उसके हेल्थ केयर सर्विसेज में 1.2% का ड्रॉप आया $1.18 बिलियन पे। फाइनेंशियल सर्विसेज और हेल्थ केयर सर्विसेज कंपनी में हाफ से ज्यादा रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करते हैं। कॉग्निजेंट ने वॉर्न किया है कि सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर में बैंकिंग सेक्टर क्लाइंट्स लोअर स्पेंड करेंगे। तो दोस्तों, मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी अगले वीकली मार्केट अपडेट वीडियो में। सब्सक्राइब कीजिए निफ्टी ट्रेडर के यूट्यूब चैनल को ताकि आप वीकली मार्केट वीडियो अपडेट मिस ना करें। धन्यवाद।